आर्या सीजन 2 अतरंगी के बाद हॉटस्टार एक नया सीरीज ला रहा है ह्यूमन। ये एक मेडिकल ड्रामा सीरीज है। इस वेब सीरीज में मेडिकल दुनिया का डार्क साइड को एक्सप्लोर किया जाएगा। कैसे लोगों पर अनएथिकली ह्यूमन ट्रायल किया जाता है, कैसे लोग कुछ पैसे के लिए झूठ का शिकार हो जाते हैं, ये सब इस सीरीज में हमको देखने को मिलेगा। ट्रेलर में जो कहानी पता चला है, ये सीरीज एक ड्रग्स के ऊपर बेस है जो कि है S93R। ये जो ड्रग्स है S93R, ये एक हार्ट डिजीज का ड्रग्स है जो कि एक बैन ड्रग्स है, यानी कि इस ड्रग्स को यूज करना मना है, लेकिन बायोफार्मेसी इस ड्रग्स को यूज करना चाहता है। वो मंथन हॉस्पिटल की मदद से इस ड्रग्स को ट्रायल करना चाहता है। बायोफार्मेसी इस सीरीज में वो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि S93R बनाया है, और मंथन हॉस्पिटल इस S93R को सक्सेस बनाने के लिए बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी का मदद कर रहा है, और गरीब लोगों को 10-10 हज़ार रुपया दे के उनके ऊपर ट्रायल किया जा रहा है। सारे ड्रग्स को 3 ट्रायल तक टेस्ट किया जाता है, तो मुझे लगता है इस सीरीज में इस ड्रग्स को भी 3 ट्रायल तक टेस्ट किया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, इस ड्रग्स को लोग लेने के बाद उनके ऊपर साइड इफेक्ट हो रहे हैं और लोग मर रहे हैं, और ये काले धंधे के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का हाथ भी है, जैसे कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिजनेसमैन इस केस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोग मर रहे हैं इस ड्रग्स की वजह से। और ये जो ड्रग्स है इलीगली अनएथिकली लोगों के ऊपर ट्रायल किया जा रहा है, और बहुत बड़े बड़े लोग भी इस केस में फंसने के चांसेस है। इसीलिए ये सीरीज में बहुत सारे मर्डर भी हमको दिखाए जाएंगे। इस सीरीज में सैफ अली शाह डॉक्टर गौरीनाथ का रोल कर रहे हैं जो कि एक मेजर रोल है, और कृति कुल्हारी डॉक्टर सायरा सबरवाल का रोल कर रही है। राम कपूर सैफ अली शाह का हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं, मुझे लगता है वो मंथन हॉस्पिटल का मालिक का भी रोल कर रहे हैं। आदित्य श्रीवास्तव, ये जो काला धंधा चल रहा है, मुझे लगता है इस काले धंधे का मीडिएटर आदित्य श्रीवास्तव है, और वो एक डॉक्टर भी शायद होंगे। इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किए हैं विपुल अमृतलाल साहा एंड मोजेस सिंह। मोजेस सिंह तो एक नया डायरेक्टर है, तो चलिए विपुल अमृतलाल साहा के बारे में बात करते हैं। विपुल अमृतलाल साहा इससे पहले आंखें मूवी, वक्त मूवी, नमस्ते लंदन, लंदन ड्रीम्स, एक्शन रिप्ले, नमस्ते इंग्लैंड जैसे फिल्में डायरेक्ट की हैं, यानी कि उनका डायरेक्शन ठीक ठाक सा डायरेक्शन है, यानी कि एवरेज क्वालिटी डायरेक्शन है। उनका जो बेस्ट मूवी है वो है नमस्ते लंदन। तो कुल मिलाकर सो इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है ये सीरीज अच्छा सीरीज होगा। बहुत अच्छा सीरीज नहीं होगा, लेकिन बहुत बुरा भी सीरीज नहीं होगा, मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक सा अच्छा सीरीज होगा। आपको ट्रेलर देख के कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।